Good afternoon, friends. Today we are with Dr. Naresh Rohra. He's a skin specialist, I would say, and he runs this Chase Clinic, which is located near Narayana, जो Maruti का service center है. उससे थोड़ा आप आगे आएंगे तो Airtel के जो showroom के बगल में इनका basement में है. जो लोग देख रहे हैं, जो आना चाहेंगे इनको consult करने के लिए. सर, आपने अभी बताया कि जो स्किन एलर्जीज हैं, वो जो सन टैनिंग होती है, तो ये गाइडेड कि उसके पहले स्किन टोनर लगाना है. सो स्किन टोनर इज इट एन एस्ट्रिंजेंट और व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्किन टोनर? वेल, जिस तरह के मौसम चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो मौसम भी कई बार बदलता है. हर चौथे महीने अलग सीजन, अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि आपके प्रोडक्ट यूजेज भी बदलते हैं. अगर मेरी समर के अंदर काफ़ी ऑयली स्किन है, तो हो सकता है कि विंटर आते आते मेरी स्किन काफ़ी ड्राई या नॉर्मल हो जाए. कई बार डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा आता है इस मौसम के अंदर, स्पेशली जब पसीने बहुत निकल रहे हैं. अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं तो डिहाइड्रेशन आता है, स्किन बड़ी सैगी और लूज होने लगती है. अब इन चीज़ों से बचने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका तो नहीं है, कुदरत ने तो हर तरीका आपके पास दिया. सो यू आर ऑलवेज इन टच विद योर नेचर, and nature has always provided you all the cure and care. Only thing is, if you know the product as per your need, as per your skin texture, then you are going to be benefited. Otherwise, even the good product can get you in the I would say on the wrong side of your protection. But jo normal ek tarika hota hai wo ye कि जब कभी हम लोग स्किन के ऊपर अगर पानी का छींटा भी मारेंगे या कोई फेस वॉश लगाएंगे या कोई लिक्विड सोप से अपना फेस क्लीन करेंगे, तो आपके एक चीज़ जो हमेशा होती है वो होती है स्किन पोर ओपन हो जाते हैं. और स्किन पोर ओपन होने का मतलब है नाउ यू आर प्रोन टू द मोस्ट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ द नेचर, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फेक्शन एकदम हो सकता है. देन आपको स्किन बर्निंग हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, साथ में पोल्यूशन में जो बड़ी हाईली टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि आपके पसीने के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ऐसे ऐसे गैसेस का लिक्विड बना देती है, एसिड बना देती है, तो आपकी स्किन जो होती है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है और ज़्यादा एलर्जिक हो जाती है. तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप फेस वॉश करो, यू शुड ऑलवेज अप्लाई अ गुड स्किन कंडीशनर, स्किन टोनर. नाउ एज यू से वेदर इट इज एन काइंड ऑफ एस्ट्रिंजेंट, यस इट इज ए काइंड ऑफ एस्ट्रिंजेंट, बट एस्ट्रिंजेंट इज इनवेरिएबली जो कि मार्केट में अवेलेबल है. 99% एस्ट्रिंजेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो एल्कोहल बेस्ड होते हैं, इसलिए एस्ट्रिंजेंट्स आर मोर यूज फॉर द ऑयली स्किन टेक्चर. लेकिन जब मैं स्किन टोनर बोलता हूँ, स्किन टोनर इज एन एस्ट्रिंजेंट बट इट इज डिवॉइड ऑफ एनी एल्कोहलिक कंटेंट, या उसके अंदर कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं मिलेगा आपको. तो स्किन टोनर अच्छा है, वो ऑयली स्किन पे भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना कि ड्राई स्किन के ऊपर. और अगर वो जैसे कि चेज कंपनी में हम लोगों ने बनाया, जिसके अंदर मैंने प्योर एलोवेरा जूस और प्योर रोज वाटर, प्योर गुलाब जल, उनके अर्क को, उनके एक्सट्रैक्ट्स को मिलाकर मैंने बनाने की कोशिश किया, तो वो एक इतना नेचुरल बन गया कि अगर किसी को शेविंग करने के बाद हल्के दाने भी निकल जाते तो मैं उनको बोल देता हूँ एक हफ्ते तक लगातार आप चेज का स्किन टोनर फेस पर लगाइए और एक हफ्ते के बाद दोबारा शेविंग कीजिए अच्छे तरीके से, आपके स्किन के ऊपर दाने नहीं निकले. तो ये मेरा अपना गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा अपना विश्वास है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कि जिस तरीके से मैंने उसको नेचुरल तरीके से बनाया और वो इफेक्ट बहुत अच्छा देता है. तो स्किन टोनर इज अ कंपल्सरी आइटम फॉर योर डेली स्किन केयर रेजिम. द फेस वॉश और व्हेनेवर यू आर क्लीनिंग योर फेस, इनवेरिएबली योर स्किन पोर्स आर ओपन. And to unless you close the pores, you are definitely prone to other any kind of infection or you know any kind of allergies. Doctor sir, I want to ask you, since you have been in this profession since long, I think you started in 1997. I think. What made you get into this field? Well. I mean, this is something. I tell you, I would say a counselor or a teacher first, then a cosmetic manufacturer, because manufacturing of the cosmetic came only when my students
स्टार्टेड आस्किंग मी कि सर सिखाया बहुत अच्छा है, समझ भी सब कुछ आ गया है, लेकिन मार्केट में तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जब नहीं होते तो फिर मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं उनको प्योर चीज दूँ। इवन मैं अगर एरोमाथेरेपी करता हूँ और लोग मेरे से बोलते हैं कि सर प्योर एरोमाथेरेपी, हम एरोमाथेरेपी ऑयल ले रहे हैं, क्या मेरे को मार्केट में श्योरिटी के मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि परफ्यूम और एरोमाथेरेपी के अंदर फर्क ही नहीं। लेकिन फर्क क्या है कि अगर मैं उसको केमिकल बना के सेम उसकी परफ्यूम कर दूं तो एरोमा तो सेम हो गई, लेकिन वो केमिकल रह गया जो कि परफ्यूमरी की तरह यूज होता है। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में अगर नेचुरल एरोमा ऑयल लेंगे जो कि फ्लावर से, उनके सीड से या आपके लीव से, फ्रूट से, छिलके से, ये हम जो निकालते हैं, इनकी जो प्योरिटी है ये सिनर्जिस्टिकली काम करती है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि इफेक्ट्स तो देती है लेकिन साइड इफेक्ट को भी कंपनसेट कर लेती है जो कि केमिकल में नहीं हो पाता। तो वो एज ए परफ्यूमरी अच्छा हो सकता है लेकिन एज ए एरोमाथेरेपी ऑयल अच्छा नहीं है, वो आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सर जो आप बोल रहे हैं कि फेस वॉश यूज कर रहे हैं, आई थिंक फेस वॉश का प्रचलन जो है अराउंड 95-96 जब इंटरनेट आया, उसके बाद ही ये सब चीजें हुई। उससे पहले तो लोग साबुन इस्तेमाल करते थे जब मुल्तानी मिट्टी। नॉर्मली अगर आप कॉस्मेटिक्स का प्रचलन देखें तो वो कहते हैं ना द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारे को क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जो वेस्ट ने अपनाया वो हमने बहुत जल्दी अपनाया। तो उन्होंने अगर पहले सॉप थे, उसके बाद सॉफ्ट सॉप थे, उसके बाद वो मिल्क सॉप एक्स वाई जेड, क्रीमी सॉप, कुछ भी नाम रखते थे। देन केम द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल द लिक्विड सॉप्स। तो लिक्विड सॉप से भी हम फेस ही क्लीन करते थे। आज लिक्विड शैम्पू आते हैं लेकिन लिक्विड सॉप जब आया था तो ये काम करने लगे। तो ये एडवेंट जो है इनका, भाई किस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट आए, ये अपनी जगह है। लेकिन मैंने तो वो लोग भी देखे हैं कि अगर किसी दो लोगों को, एक का ऑयली स्किन टेक्सचर हो और एक का ड्राई स्किन टेक्सचर हो, और उनको दोनों को बेसन दे दीजिएगा या मुल्तानी मिट्टी दे दीजिए कि आप अपने फेस पर इससे अपने फेस को क्लीन करें, मैक्सिमम लोग तो ये जानते ही नहीं है कि ऑयली स्किन के ऊपर तो ग्लो एकदम आ जाएगा, बेसन से भी और मुल्तानी मिट्टी से भी एकदम ग्लो आएगा। लेकिन जिसका स्किन ड्राई है और डिहाइड्रेटेड है, मैं 100% गारंटी दूंगा कि 100 में से कम भी 95 लोग ऐसे होंगे कि जिनके फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी और रैशेज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के लिए, यानी जिनकी ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन है, उनके लिए ना तो बेसन बना था और ना मुल्तानी मिट्टी, ये बने थे ऑयली स्किन के लिए। तो आपको एलर्जी से बचने के लिए सबसे पहले अपना स्किन टेक्सचर देखना होता है, और अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से फिर अपना प्रोडक्ट की चॉइस करो, वेदर लिक्विड सॉप हो, चाहे फेस वॉशेज हो या कुछ भी हो। इवन नेचुरल प्रोडक्ट के साथ भी बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, ये मैं आपको अभी से बता सर। जो आप बोल रहे हैं ना शेविंग के टाइम रैशेज आते हैं, तो इट इज ऑन पर्टिकुलर शेविंग क्रीम आई थिंक, इज इट सो? और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट रेडनेस ऑफ शेविंग? नहीं नहीं सर, सम टाइम ब्लेड से होता है, ये ब्लेड से भी होता है। कई लोग बहुत ज्यादा अगर उसको कर देते हैं, 2-3 बार अगर कर देते हैं, तो कई बार लोगों को देखा है कि क्योंकि हम आफ्टर शेव हमेशा यूज करते हैं, और आफ्टर शेव यूज करने का पर्पज ये होता है कि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। बट उसके अलावा भी ये देखना है कि सवाल ये नहीं है कि हर बारी मेरे को शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव लगाना ही पड़ेगा, मैं स्किन टोनर से भी काम कर सकता। सर हेल्दी स्किन रखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उनके अलावा, जैसे सलाद है हमारा, पानी का जो कंटेंट है, तो इसकी क्या कुछ उसमें? 100% मैं मानता हूं कि आपकी जो ब्यूटी है वो यहां नहीं है, आपकी ब्यूटी अंदर ही है। डाइट से, तो मैंने इसे, हम लोग हमेशा कहते हैं दैट द ब्यूटी लाइज विद इन, एंड दिस इज प्योर प्रोवर्ब व्हिच इज रिटन ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इवन गूगल के ऊपर जाकर आप सर्च कीजिए दैट द ब्यूटी लाइज विद इन आवर बॉडी। इसका मतलब यह है कि जो मेरे फेस पे नजर आ रहा है दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड। अंदर से मैं अगर सुंदर नहीं हूं तो मेरा फेस भी सुंदर नहीं हो सकता। सर वाटर कंटेंट का और सलाद या फ्रूट्स का कैसे इस्तेमाल करें थोड़ा इसके बारे में? एक बात तो बड़ी पक्की है कि अगर आपकी बॉडी, मैंने फिर हमेशा बोलता हूँ स्किन केयर और बॉडी केयर का एक बड़ा रूल है कि अनलेस यू नो अबाउट योर बॉडी यू शुड नॉट टेक एनीथिंग। अब ये कोई जरूरी नहीं होता, कई लोगों को तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि आपको पानी 8 गिलास अगर पीना है तो 8 गिलास पीजिए, आप 12 गिलास नहीं पी सकते, वरना आपकी स्किन या आपकी बॉडी जो है वो वाटर रिटेंटिव है। अगर वाटर रिटेंशन वाली बॉडी हो गई, यानी कि जिसको आप कहते हैं पित्त वाली बॉडी,
तो फिर हो सकता है कि आपके स्वेलिंग आपके फेस पे ही नहीं, आपके उंगलियों में, आपके पैरों में, हर जगह आ सकती है। तो पानी कितना पीना चाहिए ये भी डिपेंड करता है आपका स्किन टेक्सचर या बॉडी टेक्सचर कैसा है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि 70-80% हमारी बॉडी पानी से ही बनी है, तो इसका मतलब है इसका तो बेस्ट यूज किया जा सकता है। अब बेस्ट यूज करने के अंदर सैलेड भी है, तो वो भी आपका ये फाइबर का काम करती है। डाइजेस्टेड फूड है सैलेड, इसको पचाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं आपके पेट को करनी पड़ती। प्लस जितने भी सैलेड्स होती हैं इनको एल्कलाइन फूड कहा जाता है, और मेरी बॉडी की एसिडिटी को काटने के लिए मुझे एल्कलाइन फूड चाहिए। हाँ, सैलेड खाना कब चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइट के साथ जब आप चावल खा रहे हो या रोटी खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, उसके बीच में सैलेड नहीं लेना चाहिए। सैलेड हमेशा अच्छे लेवल के ऊपर एक बाउल में आप खाना खाने से 15 मिनट या आधा घंटा पहले खाइए, और उसके बाद आप डाइट लीजिए, तो एक अच्छा फूड माना जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड फूड एंड द बैड फूड। तो सैलेड इज अ गुड फूड जब वो अकेले में खाया जाए, बैड फूड जब आप रोटी के साथ मिला के उसको खाते हैं। इंडियन वेडिंग में आप जाके फूड एंजॉय करते हैं वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो ऐसे आपका एल्कलाइन फूड जो है वो भी आपका एसिडिक फूड बन जाता है। और एसिड को ही काटना है, मेरी बॉडी एसिडिक होगी समझो मेरी फेस के बॉडी या बाल या नाखून की क्वालिटी सब खराब है। सो फूड्स आर बेटर इन द मॉर्निंग, जैसे वो पूछ रहे हैं बेटर इन द मॉर्निंग, ऑलवेज में भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी टाइम बट देन इट शुड बी टेकन सिंगुलर, राइट? एक बार एक फ्रूट लीजिए, व्हाट वी कॉल द मोनो डाइट, मोनो फूड, यानी कि एक फूड। और अच्छा फूड ये डाइटिशियन के हिसाब से माना जाता है, एक फूड जो आप चाहे एक संतरा आप रोज ले लीजिए, एक समय बांध लीजिएगा कि मेरे को 2 बजे मैंने खाना खाया और 5 बजे मैंने चाय पीनी होती है, तो उसके बीच में 1.5 घंटे के बाद का जो गैप है ना उसमें आपने संतरा खाया या सेब खाया वो खाया, लेकिन एक हफ्ते लगातार ये खाओ, फिर अगले हफ्ते कुछ और लो। ये नहीं हो सकता कि एक फूड तो एसिडिटी के, और एक फूड इधर से आपने सेब लिया इधर से केला ले लिया, अब गलत हो गया। केला जो है एल्कलाइन है जो आपकी एसिडिटी को काटता है, आपके पेट को बांधता है, और सेब जो है वो एसिड बनाता है। तो आप दोनों का कंबाइन नहीं कर सकते। जो फ्रूट चाट आपके मार्केट में मिलती है इसलिए वो खराब है, जैसे आप कह रहे हैं कि शादियों के अंदर जो एक सैलेड भी खाया जाए, तो आपके खराब फ्रूट माना जाएगा। सर अक्सर नॉर्मली यही मिस्टेक करते हैं जिनकी खामियाजा में स्किन की जो उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर भुगतना पड़ता है। सर एक सवाल है कि महिलाओं का और पुरुष, यू नो, मेन एंड वर्सेस वुमेन, अभी तो मेन भी सैलून में जा रहे हैं और अभी आपका इंटरव्यू भी 3 मेन ले रहे हैं, सो मेन को भी ये सब करना है स्किन केयर? वेल नॉर्मली तो यही कहा जाता है, लेकिन हमारी एक कंपल्शन है। पहली बात तो ये है कि वुमन इज ऑलवेज टेकिंग एज द सॉफ्टर एंटिटी, दैट द फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज रिलेटेड विद द ब्यूटी। मेन्स आर नॉट रिलेटेड विद द ब्यूटी, दे आर रिलेटेड विद द ओवरऑल पोस्चर, यू नो, एज ए हैंडसम गाय और समथिंग। उसके अंदर हम अपने कम्प्लेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं अपना ओवरऑल फीचर्स के ऊपर। मैन को बाई बर्थ ही मतलब हैंडसम मान लिया जाता है, हैंडसम मान लिया जाता है, लेकिन जो सच्चाई है लेडीज का, क्योंकि वो हमेशा आप ये सोचिए कि धूप में नहीं रहती, जेंट्स का अधिकतर काम पहले तो ज्यादा माना जाता था कि हमेशा बाहर निकलने आउटडोर वाला काम होता है, जब आउटडोर वाला काम होता है तो आपका धूप से या पोल्यूशन से या धूल मिट्टी से हमेशा वास्ता रहेगा, लेडीज का कम रहता है, और क्योंकि वो मेंटेन करते हैं तो उनकी सॉफ्ट स्किन होती है तो उनको एलर्जी भी बड़ी जल्दी आती है। प्लस एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि लेडीज और जेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है उनकी 28 डेज पीरियड साइकिल, 28 वो आप उनकी लाइफ को पूरा चेंज करता है, जो कि मेरे में नहीं। हम तो 28 के 28 दिन एक ही जैसे हैं, 30 के 30 दिन उनमें नहीं है। इनका पूरी दिनचर्या, पूरा सिस्टम, उनका खान पान, उनकी सोच, सब कुछ चेंज हो जाती है। तो कुदरत ने एक सिस्टम बना दिया है कि वो सॉफ्टर एंटाइटी माना जाएगा, और सॉफ्टर एंटाइटी के ऊपर अटैक जल्दी होते हैं, तो इसलिए ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आएगी तो पहले वो लेडीज के हिसाब से आती है, तब जेंट्स के ऊपर आती है। I was watching some channel recently, तो उन्होंने आचार्य जी जो है वो टीवी पे बता रहे थे कि विमेन, जो आपने बोला सर उसी पॉइंट को, कि जब विमेन आर इन द पीरियड्स, सो दोस 5 डेज दे हैव टू अवॉइड द कार्बोहाइड्रेट्स, दे डू, सो दैट बॉडी से टॉक्सिन्स निकले। ये तो वो कह रहे हैं जो PCOD जो प्रॉब्लम आजकल महिलाओं में लड़कियों में आ रही है, तो स्किन केयर में भी दिस इज लाइक यू से आई वुड स्टिल बिलीव दैट यू नो 2 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ
cycle, and 2 days after the completion of the cycle, ये जो 8-9 दिन का पीरियड होता है, a woman has to be very careful about it. And when what diet should they have? Detoxifying diet. Even when you say salad. So apples, what happens? If it is taken singularly. Right. If it is taken as a with the banana, then I would say avoid it. Okay, that's not a good thing. Is a mahanga rich man's diet ho gaya. No, I common ek fruit mana jata isliye maine naam liya. Otherwise, main aapko bataun, this is the best time to use the yellow fruits. Yes, this is the time for the yellow fruits. Yellow mein kya kya hai? Guava bhi aata hai. Isme har cheez yellow milegi aapko. Aap papita कुछ भी ले लें, पपीता, संतरा, आम, सबसे बड़ा आम, साइट्रस फ्रूट्स, इवन साइट्रस फ्रूट्स, ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, ये येलो फ्रूट जितने भी हैं, ये दे आर मेंट फॉर द समर एंड दे आर गुड फॉर द स्किन एंड विंटर टाइम इज ऑलवेज व्हाइट फ्रूट विंटर फ्रूट एंड व्हाट अबाउट कुकुम्बर टेक्निकली देखो सारी चीज समझ नहीं पाते हम लोग मतलब वो चीजें होती है सामने कुदरत ने हर चीज अपने समय पे उसी समय उसी जगह पर बनाई अच्छा सर एक चीज ही बताए सर कि हम हमें भी देख लीजिए इनको भी देख लीजिए हम लोग देखने खूबसूरत देखने स्मार्ट आप क्या लगाते हैं सर जो इतने स्मार्ट से दिख रहे हैं माशाल्लाह और वो बिल्कुल यंग से हैं अरे यार अभी 30 साल के लड़के को आप ऐसी बातें कैसे नहीं तो मैं इसलिए कहा गया स्मार्ट लग रहे हैं लेकिन देखे ना ये देखिए और हमें देखिए कुछ बता दिए तरीका हम लोगों को भी ताकि हम लोग भी कितने चेहरे पर चमक सी है सर बिल्कुल शाइनिंग है और बिल्कुल हर चीज से फिगर है मतलब ठीक है हर चीज करते हैं लेकिन चेहरे की जो चीज फेस जो है आपका अब मैं गलत कहना ताजगी जो है ना वो ताजगी हम लोग पे नहीं है सर हालांकि हम लोग घूम घूम के 5-star होटल में महीने में 20 दिन खाते हैं आप लोगों की टेंशन लेते जा रहा हूँ आपको मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको हर उस जगह पर होना है जहां पर कोई इवेंटफुल चीज चल रही है और इवेंट हमेशा बैड सिस्टम के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं बिल्कुल जीएनटी नहीं आता जीएनटी जो आजकल गुड न्यूज चैनल आया ना जीएनटी आज तक वाला वो कोई नहीं देख रहा क्योंकि उसमें से एक या दो अच्छी न्यूज होते उन्होंने भी वही चीज चालू कर दिया कि यूक्रेन में क्या हो रहा है 2 महीने समझ पड़ नहीं कि आज कोरोना की दिल्ली में बढ़ गया मैं क्या डॉक्टर को बोल दिया बताओ नंबर 7 पे